देखो जो एक होता है ना लड़कों में फीलिंग की, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बड़ा लो लेवल का है। सीधी सी बात यह है कि आप जो नहीं जानते हो नहीं जानते वो तो आपको पूछ लेना, और क्वेश्चन कितना बड़ा है छोटा है वो सोचना आपका काम नहीं। आपको सिर्फ ये जानना है कि मुझे नहीं आता है, मैं डिस्कस करूंगा, मैं अपना ये कमी को पूरा कर लूंगा, कोई लैकुनी मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद क्या कौन सोचता है वो सोचना आपका काम। आप सिर्फ एकदम सेल्फिश होकर अपने लिए सोचिए कि आपका काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो मैक्सिमम ज्वाइन कर लिए हैं अबाउट 22 आज का भी हो। और कोई डाउट है किसी के साथ तो डिस्कस कर लीजिए। हाँ बोलिए। सर, आप बताए कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स डीजेनरेट होंगे, तो वो दोनों एक साथ हो गए या फिर पहले फंक्शनल ये भी मैंने आपसे कहा था स्ट्रक्चरल? कि ये जितने मैकेनिज्म सब एक दूसरे से इतना इंटर रिलेटेड है, सिर्फ प्रोटीन का डैमेज का बात बात नहीं है, अदर देन प्रोटीन जैसे जेनेटिक मटेरियल हो गया या माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, या ये प्रोटीन पहले या ये प्रोटीन बाद में, ये एक दूसरे से इतने इंटर रिलेटेड है कि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि एंजाइम खराब हुआ इसलिए मेरा स्ट्रक्चर प्रोटीन खराब हुआ, ये स्ट्रक्चर प्रोटीन खराब हुआ तब मेरा एंजाइम खराब हुआ, इस तरह का पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हाईली इंटर रिलेटेड मैकेनिज्म, कौन पहले कौन बाद में वो डिसाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, सर सीक्वेंस तो हो जाएगा ना सर? सीक्वेंस तो होगा ना सर? नहीं कोई सीक्वेंस नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे अब सिंपल एग्जांपल मान लो कि ये, चलो मैं क्या कह रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, मैं क्या कह रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन डैमेज, ठीक है सिर्फ दो ही अभी मान के चलिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, एटीप फॉर्मेशन कम होगा तो नेचुरली फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन कम होगा, फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन कम होगा तो सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज होगा। अब दूसरी तरफ से ये सोचो कि सेल मेम्ब्रेन आपका डैमेज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो बहुत सारे सोडियम आयन अंदर आएंगे, बहुत सारे कैल्शियम अंदर आएंगे, बहुत सारे कैल्शियम आएंगे तो डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा और नेचुरली आपका माइटोकॉन्ड्रिया के भी डैमेज करेगा। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले मेरा सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा, या पहले माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तब सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं। ठीक है, किसी ने लिखा है आइट्रोजेनिक कॉज, आइट्रोजेनिक कॉज, आइट्रोजेनिक काउज क्या है ना, जैसे डॉक्टरों का चैट में दिखा है किसी ने, आपका हो गया हो जो आप पूछ रहे थे, मैं नाम नहीं देख पाया जो पूछ रहे थे, सीक्वेंस वाला जो पूछ रहे थे, आपका हो गया हो यस सेटिस्फेक्शन। सर, यस यस सर, यस तो सेकेंड क्वेश्चन है कोई आइट्रोजेनिक डिजीज के लिए पूछ रहे थे। ठीक है, तो यूजुअली जब आप वेटनेरियन हो जाएंगे तो एक ओथ लिया जाता है, या जो मेडिकल प्रोफेशन में है ह्यूमन मेडिसिन वाले में उनको भी ओथ लिया जाता है। उसमें ये है, उनका बेसिक कंसेप्ट ये है कि बहुत ईमानदारी से पूरा जुडिशियसली अपना काम करेंगे, आपकी तरफ से कोई भूल नहीं होना चाहिए। मगर अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू मिस डायग्नोज आपने गलत डायग्नोसिस कर दिया। ह्यूमन है, अपना अपना टैलेंट है, अपने अपने थाउट्स है, अक्सर क्या होता है कि अक्सर तो नहीं बोल सकते, कभी कभी ऐसा होता है कि मिस डायग्नोसिस हो जाता है, और उस मिस डायग्नोसिस के वजह से भी प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाता है, इवन डेथ भी हो सकता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन, दूसरा आप एज ए डॉक्टर आपने गलती नहीं भी किया है, कोई पेशेंट जैसे ह्यूमन के केस में ज्यादा सूट करता है, कोई ह्यूमन पेशेंट किसी हॉस्पिटल में गया अभी का समय में, जैसे कोरोना वाला ही मान लो केस कुछ और है, वो उस पर्पज से गया था लेकिन हॉस्पिटल से पिक कर लिया उसने कोरोना, इस तरह के जो कंडीशंस है इसी को हम बोलते हैं एट्रोजेनिक डिजीज। ठीक है, जहां पे हॉस्पिटल एंड डॉक्टर वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं डिजीज के लिए, ऐसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं एट्रोजेनिक डिजीज। ठीक है, और हमेशा मैं कहता हूँ कि इस डिजीज में इतने सारे कॉज, ये कॉज, वो कॉज, उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसे हैं जिसका कॉज अभी तक डिफाइंड नहीं है, जैसे इवन कैंसर हम लोग 7-7 तरीके इटियोलॉजी गिना देते हैं कि ये इतने तरह की इटियोलॉजी है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो समझ में नहीं आता, एन एग्जैक्ट काउज को आपको पता नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक। ठीक है,
जहाँ पे एग्जैक्ट काउज ऑफ द डिजीज को आप नहीं पकड़ सकते, बता नहीं सकते, उसको इडियोपैथिक बोलते हैं। और एट्रोजेनिक डिजीज होते हैं जो ड्यू टू डिफॉल्ट इन द हॉस्पिटल और ड्यू टू डिफॉल्ट इन द डॉक्टर, उसके वजह से जो कंडीशन क्रिएट हो जा रहा है, हार्मफुल कंडीशन जो क्रिएट हो रहा है, उसको बोलते हैं एट्रोजेनिक। ठीक है, एक ठीक हो गया आपका, क्या नाम था, समीर, समीर आप कहोगे क्वेश्चन? समीर तक जा रही है बात? यस सर। आप कहो क्या सेटिस्फेक्शन, एट्रोजेनिक समझ गया? यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट किसी ने पूछा है लिपिड परऑक्सीडेशन, इस क्वेश्चन को मैं अभी होल्ड कर लेता हूँ। क्यों होल्ड कर लेता हूँ? क्योंकि मैं एक पूरा क्लास डिटेल लेने जा रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा था आपसे कि आरओएस पे, फ्री ऑक्सीजन डिराइव्ड रेडिकल्स पे, वहाँ जब आप पढ़ोगे ना तब ये वाला मुझे समझाते हुए आसान। ठीक है, लिपिड परऑक्सीडेशन क्या है, जब मैं आपको फ्री रेडिकल्स बताऊंगा वहां पे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा फ्रॉम बेस टू टॉप। तो उसको अभी होल्ड कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, और मैं हमेशा कह रहा हूँ फ्री ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स, मगर हमेशा वैसा नहीं होता कि हमेशा फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन डिराइव भी होते हैं, और भी तरीके के हो सकते हैं, नाइट्रोजन डिराइव भी हो सकता है, हैलोजन डिराइव भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा यूजी में एटलीस्ट बेसिक एम्फेसिस होता है ऑक्सीजन डिराइव फ्री रेडिकल्स पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यूजुअली जैसे बीबीएससी में होता है ना फंडामेंटल चीज जानना है, तो उसमें हम लोग उसको सुपरफिशियल निकल जाते हैं, लेकिन ये कमी रह जाता है लोगों में। आप कल को जेआरएफ में बैठेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल से। अभी हम लोग क्या करते हैं, उसको सुपरफिशियली टच करके निकल जाते हैं। अब फिर कौन पढ़ाएगा आपको, कहाँ पढ़ूंगा फिर, कहीं जनरल पैथोलॉजी को और कोई नहीं पढ़ाता, तो अगर छूट गया तो छूट ही गया। इसलिए मैंने आज उस टॉपिक को छोड़ ही दिया कि हड़बड़ी में 10 मिनट में उसको निकालने से अच्छा है कि पूरा एक क्लास आराम से बैठ के हम लोग ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल से बातें करेंगे। वहां पे ये आपका ये जो है ना लिपिड परऑक्सीडेशन, ये वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स सर? बोलिए सर, जो एटीपी का सिंथेसिस कम होता है उसके वजह से फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है? हाँ, एटीपी कोई भी चीज जो बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है, एक फॉर्मेशन ही तो है फॉस्फोलिपिड। मान लो लिपिड बनाया आपने और फॉस्फेट है, अब उसको लिंक भी तो कराना है, जैसे गोल्जी बॉडी को हम लोग मानते हैं कि स्टोर करता है चीजों को, लिंक कराता है। कोई भी फंक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर तो बगैर एनर्जी का तो होना नहीं है। कम एनर्जी लगे या बहुत ज्यादा एनर्जी लगे, जैसे पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है, उसमें नेचुरली ज्यादा एनर्जी लग रहा है, जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो उसमें नेचुरली कम एनर्जी लग रहा है, लेकिन एनर्जी तो लग ही रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो, yes, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा फॉस्फोलिपिड नहीं होगा। दूसरा बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि एटीपी फॉर्मेशन अगर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है कि कैल्शियम को हम लोग फॉस्फोलेट ढकेल के एक्टिवली बाहर नहीं कर पा रहे। अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये सबको डैमेज करेगा ना? जो पहले से बना है वो भी टूट जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की कमी तो होना ही होना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब बहुत सारी जो चीजें होती है उनमें भी तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो इस पे ज्यादा इफेक्ट क्यों पड़ता है फॉस्फोलिपिड पे? ज्यादा इफेक्ट नहीं, हम ज्यादा इम्फेसिस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सीधे सीधे उसको कोरिलेट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रिटी पे। मैंने कहा ना कि चार टारगेट्स हैं, जो मेन टारगेट yes, उसमें सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रिटी है। सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रिटी को जस्टिफाई मैं कैसे करूँ, कैसे समझाऊँ आपको कि सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रिटी नहीं रह गया, होमोस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो कुछ तो मुझे बोलना होगा सेल में कैसे डैमेज हो गया। तो फॉस्फोलिपिड काम नहीं कर रहे हैं, उसके साइटोस्केलेटल प्रोटीन डैमेज हो गया, उसको कहीं से लिंक तो मुझे मिलाना होगा, बोल के मैं सीधे निकल गया सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी डैमेज है तो ठीक है। लेकिन अगर उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हो, आपके पास मौका है कि मैं लिंक कर दूं, तो मैं उसको लिंक करूंगा। तो इसी पर्पस से, ऐसा नहीं है कि इसको इम्फेसिस ज्यादा दिया जा रहा है, सिर्फ इसी में डैमेज होगा वो बात नहीं है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है होमोस्टेसिस में, इसीलिए हम लोग फॉस्फोलिपिड को ज्यादा इम्फेसिस दे रहे हैं। तो हर काम में एटीपी की जरूरत है, हर चीजें हम करो। और इस चार पॉइंट को भी अगर बहुत डिटेल डिस्कस करो तो
तो ऑलमोस्ट सारे ही चीज कवर हो जाएंगे। जो फाइनली जो एक खतरनाक स्थिति कब होता है, जो साइटोक्रोम P40 ऑक्सीडेज रिलीज होने लगता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन होता है ना, बाइलेयर्ड होता है, आउटर लेयर और इनर लेयर, उस दोनों लेयर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं और बहुत हार्मफुल भी बोल सकते हैं। जरूरत उसका बहुत है, लेकिन जब भी वो साइटोप्लाज्म आ जाता है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, एपोप्टोसिस कॉज करता है सेल को, मतलब सेल को उसके दिमाग में डाल देगा सेल को कि आपको मरना है। तो वो एक एंजाइम है साइटोक्रोम P40 ऑक्सीडेज, सिंपली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो जैसे हर चीज को जैसे लिंक करने लगोगे और थोड़ा सा और डेप्थ पे जाओगे, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चीजें बहुत है लेकिन यूजी लेवल में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं घुसते। तो मैं अभी तक ये नाम नहीं दिया आपको, मैं एपोप्टोसिस का नाम लिया लेकिन मैंने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का नाम नहीं लिया। लेकिन जब तक आप इसको नहीं जान लेते तो एपोप्टोसिस भी नहीं समझ सकते। अब अगर मैं उसमें घुस जाऊं कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, इसका ये रोल है, ये अगर वहां से लिख करके साइटोप्लाज्म में आ गया तब ये क्या करेगा, तो एक डिफरेंट स्टोरी ही हो जाएगा। वो फिर एक अलग टॉपिक है जो किसी और को असाइंड है, अलग टॉपिक में पढ़ना है आपको एपोप्टोसिस में, वो भी है आपका। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो लास्ट ईयर मैंने क्लास लिया था जो सेकेंड ईयर के बच्चे थे उनका, यूट्यूब में है, उसमें जाके देखिए। एपोप्टोसिस बड़ा बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है, एपोप्टोसिस जितना पढ़ना नहीं यूजी लेवल में उससे ज्यादा है, लेकिन सारे कंसेप्ट क्लियर। जेनेटिक पैथोलॉजी के कुछ टॉपिक्स मैंने लास्ट क्लास में लिए थे, जैसे वो डीलिंग हो गया, कुछ कुछ थे वो, आप फुर्सत में बैठ के देख सकते हो, एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए और एक दो क्वेश्चन पिक किया जा सकता है, अभी है 2-3 मिनट है, फिर आपका नेक्स्ट क्लास जो भी हो शुरू हो, कुछ बोलना हो तो बोलो। सर दोनों केसेस में रिवर्सिबल इररिवर्सिबल में दोनों में माइलिन फिगर्स का फॉर्मेशन होता है, सर दोनों में कोई चेंजेस होता है या सेम रहता है? नहीं नहीं, आप उस फ्लो चार्ट को देखिए, तो मैंने रिवर्सिबल में ही लिखा है माइलिन फिगर और ब्लेम, मगर मैंने आपसे ये कहा है कि रिवर्सिबल भी ऐसा नहीं है कि एक मतलब लकीर खींच दे ये रिवर्सिबल, वो एक चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस है, उस बहुत सारे चेंजेस में अगर माइलिन फिगर और ब्लेब फॉर्मेशन भी बनने लगा तो समझ लीजिए कि आप एक्सट्रीम मोस्ट में पहुंच गए। अभी तक आप रिवर्सिबल में ही है लेकिन इतना एक्सट्रीम मोस्ट में पहुंच गए हैं कि जहां पे जैसे पेशेंट के केस में डॉक्टर बोलता है ना कि मुझे नहीं लगता अब ये बचेंगे, जो प्रोग्नोसिस है मुझे नहीं लगता ये बचेंगे, उस तरह का आप स्टेटमेंट दे सकते हो सेल में। अगर माइलिन फिगर और ब्लेब फॉर्मेशन होने लगे तो सेल के रिलेशन में ये आप स्टेटमेंट दे सकते हो कि अब ये सेल नहीं बचेगा। ठीक है, ये है सर। तो अलग जैसे कि कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, इरिवर्सिबल में भी हो सकता है और इरिवर्सिबल में भी हो सकता है सर? कैल्सिफिकेशन तो रिवर्सिबल में ही देखने को मिलेगा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो कैल्सियम सोडियम पोटेशियम ATP पंप वाला अगर हैम्पर होता है तो वहाँ पर रिवर्सिबल होने के पूरे चांसेस होते हैं। आपने एनर्जी दिया, ऑक्सीजन दिया, ATP बनाया, उसको ढकेल के बाहर कर लेता है, क्लॉटिक स्वेलिंग है, जितने भी वाटर अंदर आया है सबको ढकेल ढकेल के बाहर कर लो, ठीक हो जाता है। लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम ATP पंप में अगर प्रॉब्लम शुरू हो गया, कैल्शियम अगर एक्टिवेट हो गया, ये जो कैल्सिफिकेशन शुरू हो गया, तो वो तो इंडिकेशन है इरिवर्सिबल। कैल्सिफिकेशन तो इरिवर्सिबल का ही चेंजेस, सेपोनिफिकेशन होना, कैल्सिफिकेशन होना, ये इरिवर्सिबल के चेंजेस है। ठीक है, हेलो yes. चलिए तो आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। इस तरह से जब इंटरेक्ट करते हो ना तो मुझे लगता है कि चलो एक तो आप मैं कितना समझाया वो तो थोड़ी देर भूल भी जाइए, एटलीस्ट मुझे ये पता चलता है कि आपका बेसिक कितना है। इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे लगता है चलो इनके साथ ज्यादा बातें किया जा सकता है, ज्यादा डीप समझाया जा सकता है, क्योंकि ये समझने को तैयार है, इनके बेसिक अच्छे हैं। अब फिर इसमें फिर वही है कि जिन लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर वो सामने आके नहीं बोलेंगे वो एकदम चुप रह जाएंगे तो फिर उनका नुकसान होगा, क्योंकि आपसे बातें करके ऐसा लग रहा है कि मुझे लेवल थोड़ा आगे ले जाना है, अच्छा बैच है ये, इनके साथ ज्यादा डीप बातें किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे इसमें जो इस टॉपिक को भी नहीं समझ पा रहे होंगे, तो अगर वो सामने नहीं आएंगे कुछ बोलेंगे नहीं, तो मैं तो ये मान लूंगा ऑन एन एवरेज आपका एक क्लास बहुत बढ़िया, तो हमारा थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, है ना। और दूसरा चीज़ ये कि मैं अभी क्लास स्टूडेंट्स पहले भी कह रहा था कि
लास्ट क्लास में 40 लड़कों ने ज्वाइन किया था, अगले 20 मिनट्स में सिर्फ 27 आए थे। इसका मतलब कुछ लोग एक्टिवली नहीं जुड़ते, वो मोबाइल ऑन करके छोड़ देते हैं। आज भी कुछ कुछ वैसे ही है, सेकेंड टाइम भी इतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ जितना फर्स्ट टाइम में हो रहा था। इसका मतलब उनको पता ही नहीं होता कि क्लास कब खत्म हुआ, कब रिज्वाइन करना है। उन्होंने ऑन कर दिया और सोच रहे चलो मेरा अटेंडेंस बन रहा। तो इसे बचिए, ये आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, टाइम हो गया है ना। थैंक यू।